कहे परमार्थ ज्ञायक आत्मा जो जानते यह तत्व वे छोड़े सकल कर्तापना। व्यवहार से यह आत्मा घट पटर था देख द्रव्य का इंद्रियों का कर्म का नौ कर्म का कर्ता कहा। पर द्रव्य में हो जाए यदि पर द्रव्य में कुछ भी करे पर द्रव्य में होता नहीं बस इसलिए करता नहीं। अब आदरणीय वीरेंद्र जी साहब के समय सार विषय पर प्रवचन प्रारंभ होते हैं। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो अज्ञायाणम नमो लोए सब्बसाहूणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से यहाँ ये बात चल रही है कि आत्मा उद्गल द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है। दूसरे प्रकार से कहें कि आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है सीधा। और उसमें 24 बोल कहे थे, 8 ज्ञानावरणादि कर्म हैं उनका कर्ता आत्मा नहीं है। आत्मा 9 कर्म का कर्ता नहीं है। आत्मा राग देश मोह का कर्ता नहीं है, क्रोध मान माया लोभ का कर्ता नहीं है। आत्मा 3 योग मन वचन काय का कर्ता नहीं है, 5 इंद्रियों का कर्ता नहीं है। ऐसे परद्रव्य स्वरूप जो परिणाम हैं उनका ये भगवान आत्मा कर्ता नहीं है, ये आत्मा की बात है। इसलिए यहाँ आप देखें 183 पेज पर 100 नंबर की गाथा के भावार्थ में ये आया है। तात्पर्य यह है कि द्रव्य दृष्टि से कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है। एक आत्मा दूसरी आत्मा के परिणाम का कर्ता नहीं है। सभी द्रव्य ले लिया ना, इसमें तो कोई पुद्गल कर्म स्वरूप जो पुद्गल द्रव्य है उतना मात्र भी नहीं लिया। तीर्थंकर भगवान समझा देंगे मारीचिका के जीव को, ऐसा संभव है ही नहीं, था ही नहीं, समझा ही ना सके, कुछ नहीं कर सकते, कहीं नहीं आता। अब अपना 101 नंबर की गाथा चलती थी और गाथा का भी वांचन हमने किया था और वह ये था, हरि गीत एक बार यहाँ पर दोहरा लेते हैं कि ज्ञानावरणादिक सभी पुद्गल द्रव्य परिणाम हैं, ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। वो शुरू हुआ ना ज्ञानावरण से लेकर के 24 बोल, ज्ञानावरणादिक शब्द आया ना, तो ज्ञानावरण से लेकर के और 5 इंद्रियां वो सब ले लिया उसमें, उसका ये पुद्गल
द्रव परिणाम है, पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, ऐसा आत्मा तू जान, ये तेरे परिणाम नहीं है। कर्ता नहीं आत्मा उन्हें, आत्मा उन परिणामों का कर्ता नहीं है। ऊपर की पंक्ति के दूसरे पद में ये कह दिया कि वे पुद्गल द्रव के परिणाम हैं, आत्मा के परिणाम नहीं हैं। ये दूसरी पंक्ति के पहले पद में कह दिया किसके परिणाम हैं वो कह दिया, और किसके परिणाम नहीं हैं ये भी कह दिया इसके अंदर। अब क्या कहते हैं कि जो जानता, जो ऐसा जानता है वह ज्ञानी है। एक एकला एकला वन वे ट्रैफिक नहीं लिया है, अस्ति नास्ति से कथन किया है। अस्ति से समस्त ज्ञानावरणादि परिणाम पुद्गल द्रव्य के हैं, आत्मा के नहीं, दोनों अस्ति से भी। और ऐसा जानता है जो, वो ज्ञानी है। क्यों? ओ यहाँ टीका के अंदर कहेंगे वह ज्ञानी है ना, ऐसा लिया ना, तो वो ज्ञानी कैसे क्यों ये वाली बात इस टीका में लेंगे। टीका पढ़ते हैं, देखिए जैसे उदाहरण दिया, उदाहरण समझ में आ जाएगा तो फिर सिद्धांत भी समझ में आएगा। जैसे दूध दही जो कि गौरस के द्वारा व्याप्त है, दूध गौरस है ना, गौरस, गौरस का मतलब गाय का रस, माने दूध, ख्याल में आया। अब दही उसमें कौन व्याप्त है, गौरस बराबर है। खोआ उसमें कौन व्याप्त है, गौरस। पनीर उसमें कौन व्याप्त है, गौरस। छेना उसमें कौन व्याप्त है, गौरस। ओके, ख्याल में है। देखो जैसे दूध दही जो कि गौरस के द्वारा व्याप्त हैं, माने गौरस अपने परिणामों में, दूध दही आदि रूप परिणामों में गौरस व्याप्त है, बराबर जानने में आ रहा है ना अपने। इसे गौरस के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गौरस के मीठे खट्टे परिणाम हैं। वो परिणाम गौरस में व्याप्त होकर के उत्पन्न होते हैं, माने गौरस को छोड़ करके गौरस का कोई भी परिणाम नहीं होता। जैसे मिट्टी को छोड़ करके घड़ा परिणाम, कूंजा परिणाम, सकोरा परिणाम, सुराई परिणाम, कोई भी मिट्टी का परिणाम मिट्टी द्रव्य को छोड़कर नहीं होता, माने व्याप्त रहता है द्रव्य, वो परिणाम द्रव्य को छोड़ता ही नहीं, और द्रव्य अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए परिणाम में सदा व्याप्त रह। ये तो प्रभु वस्तु का व्यवस्था है। नहीं साहब, हम तो कुछ कर देंगे और हम कर रहे हैं, और हमने ये मिट्टी का घड़ा बना दिया, हमने दूध से दही बना दिया, अरे छेना बना दोगी क्या आज, कि चिंता मत करो, कल जैसा बनाऊं कि परसों जैसा बनाऊं, कि तुम कभी छेना बना ही नहीं सकते। कौन बनाएगा, अज्ञानी, ज्ञानी नहीं बना सकता। ये यहाँ पर क्या है, 101 नंबर की गाथा, ज्ञानी की गाथा है ना, कि जो नहीं करे और जाने। ए ख्याल आया, क्या कहते देखो, उन्हें माने किने, ये जो गौरस के खट्टे मीठे परिणाम हैं, दूध दही वाले जो परिणाम हैं,
उन्हें गौरस का गौरस, देखो परिणाम नहीं पकड़ा, क्या पकड़ा? गौरस, क्योंकि गौरस के द्वारा व्याप्त हैं। भाई देखो टीका क्या है, ये जो गुरुदेव श्री ने जो गहन गहन इसमें से अर्थ निकाले हैं वो अपने नहीं निकाले हैं, ये टीका के अंदर निहित हैं, उसमें से निकाला है। पॉइंट समझ में आया है? आप एक बार भोजन करने गए, जब दस लक्षणी में गए थे तब आपने कहा बहन जी नींबू है क्या? कि हाँ है, तो ज़रा दाल में डाल दो। तो उन्होंने पता है क्या किया, नींबू लिया और दाल में डाल दिया। उन्होंने कि ये क्या करती हो बहन जी, हमने तो आपसे ये कहा था कि नींबू डालो, कि नींबू ही तो डाला है और क्या डाला है दाल में, समझ गए आप, डाल दिया ऐसा नींबू सीधा का सीधा। अरे बहन जी आप इतना ही बात नहीं समझती हो कि हम तो सब समझते हैं, हम तो ये देखना चाहते हैं कि तुम नींबू कहते किसको हो है? तो उन्होंने कहा लाओ चक्कू लाओ, और चक्कू से उसके दो पीस किए और ऐसा यूं ऐसा उसे दबाया, बोला देखो मैंने नींबू का रस निकाल दिया। आपने कहा बहन जी आपने नहीं निकाला है, ये तो ऑलरेडी इसमें बस वो यहाँ था, यहाँ आ गया, तो क्या किया, योग और उपयोग किया, रस तो नींबू का नींबू में ही था। ऐसे ही गौरस ऐसा है ये सब, क्या इसलिए ऐसे उदाहरण लेता हूँ मैं कि आप सबके ख्याल में आ जाए गड़बड़ क्या चल रही है, हम बैठे हुए हम चले गए उसमें नींबू में घुस गए हैं, दही के अंदर हम व्याप्त हो गए। अरे आत्मा कहाँ से व्याप्त हो, उस दही में कौन व्याप्त है, गौरस व्याप्त है। पॉइंट समझ में आया? ये यहाँ पर देखो कहते हैं, अब देखो दूसरी पंक्ति कहाँ से शुरू हो रही है, उन्हें गौरस का तटस्थ दृष्टा पुरुष, तटस्थ दृष्टा पुरुष करता नहीं है, उन्हें माने किने गौरस का जानने वाला देखने वाला पुरुष गौरस के परिणामों का कर्ता नहीं है, ये समझो। भाषा समझनी पड़ती है, बस यहीं आकर के हमारी तो साहब क्या है समझ में नहीं आता है, क्या करें, हमने तो दो बार पढ़ा तीन बार पढ़ा हमारी तो समझ में आता नहीं है। अब तुम साबुत नींबू डाल दोगे तो वो दाल खट्टी कैसे होगी, उसे तो ऐसा करना ही पड़ेगा, तो करो उसको ऐसा। देखो फिर से पढ़ते हैं, देखो हमारा क्या है, ऐसा नहीं है, हम बहुत जब स्टार्टिंग हुआ हमारा बहुत लंबे साल तक वही पद्धति थी, कौन सी वाली, प्रवचन वाली, लेकिन हमने देखा कि रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो रहा है, सब वहीं के वहीं स्टैंड करते हैं, कोई रिजल्ट नहीं। आप 10 दिन तक 10 लक्षणी में चला लो, पूछ लो कि भाई साहब क्या विषय चला था, कि बहुत अच्छा चला, कि बहुत अच्छा चला क्या, ये तो बता दो अच्छा चला क्या, चीज़ अच्छी क्या चली, तो आपने कहा था एक ज्ञायक भाव है, मैं तो भाई क्या हुआ एक ज्ञायक भाव है, ये 10 दिन में एक ज्ञायक भाव है क्या आया उसमें, तो ये चला कि स्वयं सिद्ध होने से अनादि सत्ता स्वरूप है, ये सब कुछ है ना, ऐसा सब क्या आया, हम सब आया। हमने कहा कि देखो भाई हर बड़ा भाई या छोटा भाई या पिता पुत्र को या पुत्र पिता को ऐसा उसको भाव होता है कि ये मेरे से आगे बढ़े, मैंने अगर 50 करोड़ कमाए हैं तो ये 100 करोड़ कमावे, ये अगर मैं इंटर तक पढ़ा हूँ तो ये कहाँ तक पढ़ा है, ग्रेजुएट, और बेटा ग्रेजुएट है तो वो अपने बेटे को क्या चाहेगा, वो पोस्ट ग्रेजुएट, माने ऐसा चाहता है कि नहीं चाहता है, वो कहेगा कि नहीं नहीं बेटा तू तो हाई स्कूल तक ही पास हो जा, फेल हो जाए तो बहुत अच्छा है, ऐसा हो कहेंगे भाई क्या करें। ये साधर्मी बात्सल्य साधर्मी अनुराग ये हमसे छूटता नहीं, हमसे जाते ही भाई, सबके समझ में आवे क्या है मूल क्या है, एक बार वो समझने की शैली की पद्धति अंदर ख्याल में आने पर उसका रस अगर पड़ जावे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ लिया देखो फिर से मैं पढ़ता हूँ, दो चीज़ें ली हैं, एक तो लिया है गौरस और लिए हैं गौरस के परिणाम, बराबर है, जैसे दूध दही
तो दूध को लिया जैसे उन्होंने मीठा, तो दही को लिया उन्होंने खट्टा, तो ये लिया स्वाद रूप में। देखो ओ समझ में आया, जे खट्टा मीठा कह करके क्या डाला, स्वाद भोक्ता, ऐसा इसका अभिप्राय है। और गौरस में दूध दही ये डाला कर्तापने से, तो परिणाम है। तो गौरस का ये जो है वो ये सब क्या है, उसके परिणाम है, किसके हैं, गौरस के, बराबर है। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, गौरस के परिणाम है। देखो मेरी थोड़ी सी पढ़ने की पद्धति, बीच में से शब्द छोड़ देता हूँ, वो आप साइलेंटली उसको ग्रहण कर लो। गौरस के परिणाम है कौन से, दूध और दही। क्यों गौरस के परिणाम है, क्योंकि गौरस उसमें व्याप्त है। इन तीन बातों को कौन बोलेगा, देखो फिर से, गौरस के परिणाम है, गौरस के परिणाम क्या हैं, दूध और दही। ये दूध और दही गौरस के परिणाम क्यों हैं, क्योंकि उन परिणामों में गौरस व्याप्त है। ये बात समझ में आए, फिर सिद्धांत में जाएं। बोल सकते हैं तीन बिंदु, हाँ बोलो, पहला शाबाश, हाँ बोलो। दूध और दही गौरस के परिणाम है, उन परिणामों में गौरस व्याप्त है। हाँ ठीक है, ठीक है, क्या, हाँ बोलो, दे इनको भी माइक दो। अच्छा, दूध और दही को हाँ दूध और दही हाँ, और क्यों है कि गौरस इनमें व्याप्त है, इस कारण से ये दूध और दही गौरस के परिणाम है। हाँ ये बहुत अच्छा बोला, आपसे बेटर बोला, वो गौरस के परिणाम क्यों है, ऐसा है ना कि ये दूध दही खट्टा मीठा ये गौरस के परिणाम क्यों है, ये मूल इसके अंदर ये बात है, क्योंकि उनमें कौन व्याप्त है, इसलिए वे गौरस के परिणाम है। ख्याल में आ गया। अब देखो यहाँ पर आ गया कौमा लगा करके, उन्हें उन्हें माने गौरस के परिणामों को गौरस का तटस्थ दृष्टा पुरुष, तटस्थ मध्यस्थ है देखने वाला पुरुष, पुरुष माने आत्मा, किनको, परिणामों को नहीं, गौरस को, गौरस देख रहा है, गौरस का तटस्थ दृष्टा पुरुष करता नहीं है, क्योंकि वह क्या देख रहा है, गौरस 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 गौरस, ये गौरस देख रहा है, वो प्रत्येक परिणाम में किसको देख रहा है, गौरस को देख रहा है। कुछ समझ में आया एंगल, ओ ज्ञानी, वो ज्ञानी शब्द लिया ना कि वो ज्ञानी है, कर्ता नहीं है, कि कर्ता क्यों नहीं है, क्यों ज्ञानी है, कि कर्ता इसलिए नहीं है कि प्रत्येक गौरस के परिणाम में वह गौरस देख रहा है। समझ में नहीं आया आपको, जैसे यहाँ चार कुर्सियाँ हैं और चारों कुर्सियों पर चार पुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपसे पूछा कि कितनी कुर्सियाँ खाली हैं, बताओ, ये नहीं, ये बोलो, क्या देखा आपने जो कहा कि एक भी कुर्सी खाली नहीं है, क्या देखा आपने, आप बताओ बिटिया, बता सकती हो, नहीं समझ में आया, प्रश्न ही समझ में नहीं आया, बहुत दिक्कत बहुत पड़ती है, इसलिए पौना घंटा पता ही नहीं चलता कहाँ उड़ी हो गया। चार कुर्सियाँ, चार कुर्सियों पर पुरुष बैठे हुए हैं, हमने आपसे ये पूछा कि कितनी कुर्सियाँ खाली हैं, बताओ भाई साहब, हमारे ललित जी के बड़े भाई हैं, एक भी खाली नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आपने कुर्सी देखी क्या, पुरुष देखा, पुरुष पुरुष एंगल पकड़ में आया आपके, फिर से बोलता हूं, हाँ ये क्या है, बहुत जरा से मैं
ट्विस्ट जरा सा सा करा, राई की ओट में पहाड़ छुपा हुआ है। आपने किस आधार पे कहा कि कुर्सी खाली नहीं है? जिक्र किया कुर्सी खाली नहीं का और देखा किसे? पुरुष को। ऐसे ही कुर्सी, कुर्सी माने परिणाम, कुर्सी माने परिणाम, और उन सब परिणामों में गौरस बैठा हुआ है। आ गया समझ में? गौरस के सर्व परिणाम लियो, दूध दही छेना मक्खन जो आप चाहो सो लियो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम आपसे पूछते हैं कितनी कुर्सी खाली है, अब तो बताओ। गौरस में से, गौरस में से, जैसे दूध दही छेना और पनीर, अब जो चार कुर्सियां, ये क्या हैं? कुर्सियां। और इन सब में बैठा है कौन? गौरस। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कौन सा परिणाम खाली है, कौन सी कुर्सी खाली है, कौन सा परिणाम खाली है? अरे अब तो समझ में आया? क्या करे, क्या करे, क्या कारण क्या? हमने तो बहुत पढ़ा, हमने तो 19 बार पढ़ा, हम तो 1900 बार पढ़ा। अरे भैया पढ़ा तो सही, हजम एक वही बार नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा? आया समझ में? आया? आया हमारे रत्नाकर जी? आ गया समझ में? बोलो कौन सा परिणाम खाली है? कोई परिणाम खाली नहीं है। और ख्याल में आया? वो तो मैं कहाँ बैठूं? आ गया समझ में आपके? अब वो ज्ञानी की बात चलेगी, मैं कौन सी कुर्सी पर बैठूं? कोई सी भी कुर्सी तो खाली है नहीं, इसलिए गौरस का कोई भी परिणाम गौरस से खाली नहीं। तो वो आत्मा कहता है कि मैं कहाँ बैठूं, माने मैं गौरस के किसी परिणाम का कर्ता नहीं हूं, मैं तो यहां खाली कहां? आया कुछ समझ में? आया? अब पढ़ते, फिर से पढ़ते हैं, देखो। गौरस का है ना, गौरस लिया ना, गौरस का तटस्थ दृष्टा मध्यस्थ भाव से कोई पक्ष नहीं है, ऐसा पुरुष माने आत्मा कर्ता नहीं है। गौरस का दृष्टा पुरुष कर्ता नहीं है, किसका? गौरस के परिणामों का। कौन सा पुरुष? तटस्थ दृष्टा पुरुष। किसका? तटस्थ दृष्टा गौरस का। ख्याल में आया? ऐसे ही पुद्गल के जो 24 हमने आपको बताए, इसमें आए ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय आयु नाम गोत्र भेद नहीं है, नौ कर्म शरीर सब आए के नहीं आए? ये सब में कौन व्याप्त है? तो कहा कि महाराज इन 24 कुर्सियों पर पुद्गल बैठा हुआ है, कोई कुर्सी खाली नहीं है। वो किसे देख रहा है? सब परिणामों में पुद्गल, सब परिणामों में पुद्गल द्रव्य तटस्थ पने से जान रहा है और देख रहा है। ये देखो यहां पर ऐसा, उसे ज्ञानी नाम संज्ञा देंगे, तटस्थ दृष्टा शब्द डाला है। ये नहीं भाई, इसका क्या अर्थ हुआ? ये तटस्थ दृष्टा का क्या अर्थ हुआ भाई साहब, महिपाल जी साहब? कि उसने ये नहीं कहा भाई साहब मैं इतनी देर से खड़ा हुआ हूँ, है एक कर्टी शेक इतना भी नहीं कि लाओ 5 मिनट आप ही बैठ जाओ मैं खड़ा हो जाता हूँ। आप समझे ना, तटस्थ दृष्टा का अर्थ क्या है वो समझो। इतना कर्टी शेक को हिंदी में क्या कहेंगे? इतनी भी व्यवहारिकता नहीं, इतनी सज्जनता नहीं
मैं कब से खड़ा हूँ कि आप कोई भी 24 में से एक ये बोल दे कि भाई साहब आप बैठ जाओ, कि आप बैठ जाओ का अर्थ क्या हुआ कि वो परिणाम में से निकल जाए तो वो बैठे, और परिणाम जो गौरस के हैं उनमें तो कौन व्याप्त है, वो निकल ही नहीं सकता। ऐसा विकल्प ही नहीं है तटस्थ दृष्टा पुरुष को कि मेरा कभी तो चांस आ जाएगा, कभी तो मैं इस कुर्सी पर बैठ जाऊंगा, कभी तो मैं ज्ञानावरणादि ये जो कर्म है इनका मैं करता हो जाऊंगा, कि कभी नहीं, कभी नहीं। तो कहते हैं कि जो तटस्थ दृष्टा है वह पुरुष करता नहीं। इसी प्रकार अब देखो, ये तो उदाहरण में था ना, अब यहाँ सिद्धांत में घटित करेंगे। इसी प्रकार ज्ञानावरणादिक, वो आगे 24 आगे याद है ना सब 24, मैं नहीं अब रिपीट करूँगा, ओके। ज्ञानावरणादिक जो कि वास्तव में पुद्गल द्रव्य के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होते हैं, व्याप्त होकर उत्पन्न होते हैं, उनमें पुद्गल द्रव्य व्याप्त होकर वे उत्पन्न होते हैं। पुद्गल द्रव्य को लिए बिना वे उत्पन्न, माने मिट्टी, देखो देखो एक घड़ा ऐसा बना भाई साहब जयपुर के अंदर जिसके अंदर मिट्टी थी ही नहीं, सोना भी नहीं था, चांदी भी नहीं थी, पीतल भी नहीं थी, कोई धातु थी ही नहीं, ऐसे घड़े की कल्पना करो आप, ऐसे किसी परिणाम की कल्पना करो जिसमें उसका द्रव्य न हो, होता ही नहीं, कभी नहीं। आप चिर निद्रा में चले जाओ तो भी कभी नहीं होता। ओ भाई साहब सो जाओगे तो, और जागते रहना अपने तिजोरी पे चाबी ऐसे ही, निकालना ही नहीं, लगाए रखना, पकड़े रखना, क्यों, क्या हो गया, क्या क्या, अरे क्या करता है उसमें पुद्गल द्रव्य व्यापेला है, कभी नहीं उससे होता है, समझ में आया। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि कलश है इसके अंदर, अच्छा होता ही नहीं ये शरीर, शरीर में, शरीर मेरा, मैं चलाऊं, मैं हिलाऊं, मैं मूछों पे ताप दूं, अरे तेरा बाप ताप नहीं दे सकता मूछों पे, तो मूछ छू नहीं सकता, भारी की बात करता है, क्या करेगा। बोलो कितनी बार मिरर में इन बालों को संवारते हो, जब जाते हो और जब बाहर निकलते हो तब ले, क्या है क्या मोर के, हाँ कर सकते हो, कंघा छूता है इस बालों को। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम का करता है, करता नहीं, व्याप्ता नहीं उसके अंदर। भाई ये कर्ता कर्म अधिकार निहाल हो जाए ऐसा अधिकार है, ख्याल में आया, थोड़ा विचार करना, अच्छा चलो आगे चले भैया। देखो क्या किया, अरे आप लोग पीछे चले गए आज, क्यों क्या बात हुई, कोई बात नहीं बैठ चलो। इसी प्रकार ज्ञानावरणादिक पांचों इंद्रियां राग द्वेष मोह मन वचन काय नो कर्म शरीर आयु नाम गोत्र वेदनी है ये सब, अरे स्त्री पुत्रादि वो सब क्या क्या करे। हाँ वो एक उदाहरण आता है ना, वो नथुनों में गोबर की वो गोलियां डली हुई हैं, और है? चींटी का, अब चींटी की क्यों बात करते हो, अगर हाथी की में पड़ी हो तो क्या वो सूंघ लेगा क्या। ऐसे गोलियां पड़ी हुई, अब वो लो गुलाब का फूल, लो चमेली का फूल, लो हिना कि वो क्या क्या, अब वो बताओ उसे खुशबू काहे की आएगी,
ऐसे असमान जातीय द्रव्य पर्याय में इस मनुष्य पर्याय में बैठा रहता है। समझ में आया? इस असमान जातीय द्रव्य पर्याय का नाम है मनुष्य पर्याय। मनुष्य पर्याय में आत्मबुद्धि करके बैठा रहता है और सूंघता किसको है? शुद्ध आत्मा को। ए अन्य पाप से रहित भगवान आत्मा। अरे भाई पहले निकल इसमें से, निकल इसमें से। निकल का क्या अर्थ क्या है? अरे भाई कर्ता कर्म अधिकार से समझ तो सही क्या स्थिति है। ऐसा ज्ञानावरणादिक जो कि वास्तव में पुद्गल द्रव्य के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। कौन? ज्ञानावरणादिक किस द्रव्य के परिणाम है? पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। पुद्गल द्रव्य के परिणाम क्यों है? ये गया अंदर में, मैं निमग्न हो गया। ये तो ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम क्यों है? बोलो भैया। पुद्गल व्याप्त है, पुद्गल द्रव्य उसमें व्याप्त है। उन्हें ज्ञानी कर्ता, अब देखो ज्ञानी बहुत सीधा सा कह दिया, ज्ञानी शब्द को ऊपर की जो पंक्ति आई है ना उसमें से शब्द लेकर के इसे जोड़ो। ज्ञानी, ज्ञानी माने क्या? देखो तटस्थ दृष्टा पुरुष उसका नाम है ज्ञानी, तटस्थ दृष्टा पुरुष। बस बैठा क्या कर। किंतु, अब देखो किंतु कर्ता नहीं है ना, पहले शब्द आया था, क्या आया था शब्द? कहाँ पढ़ रहे हैं बेटा जी, कहाँ पढ़ रहे हैं बताइए आप? तटस्थ दृष्टा पुरुष कौन सी पंक्ति में आया था? दूसरे में। हम कौन सी पंक्ति पढ़ रहे हैं? चौथी पढ़ रहे हैं। बराबर है, ठीक है। देखिए उन्हें ज्ञानी कर्ता नहीं, किंतु जैसे वह गौरस का दृष्टा स्वतः, देखो अब देखो स्वतः वो दृष्टा पुरुष माने ज्ञानी, जैसे वह गौरस का दृष्टा। अब उसकी बात चल रही है, अब गौरस की बात नहीं चल रही है, अब किसकी बात चल रही है? गौरस का दृष्टा पुरुष ज्ञानी आत्मा की बात चल रही है। अब तो कर्ता नहीं है ये वाली बात तो पहले कह दी। कर्ता क्यों नहीं है, कैसे सिद्ध किया इसको? गौरस व्याप्त है काय में अपने समस्त परिणाम, ऐसे ज्ञानावरणादि में कौन व्याप्त है? पुद्गल व्याप्त है, इसलिए आत्मा उनका कर्ता नहीं। आया पॉइंट समझ में? अब बात चलेगी दृष्टा पुरुष की, ज्ञानी की बात चलेगी, ख्याल में आता है? तो वो महाराज कहाँ है जे बताओ, वो क्या कर रहा है? जब ये नहीं कर रहा गौरस के परिणाम को, आत्मा नहीं करता ये कहा ना आपने, तो फिर वो क्या कर रहा है ये बताइएगा हमको, ख्याल में आया? अब वो क्या कहेंगे कि स्वतः देखने वाले से व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गौरस परिणाम के दर्शन में व्याप्त होकर, गौरस परिणाम के दर्शन में व्याप्त होकर, किसमें व्याप्त होकर? किसमें? नहीं नहीं, हाँ साहब रतलाम वाले भाई साहब, हैं किसके दर्शन में? वहां अभी सापेक्ष कथन करना है ना, क्योंकि कर्ता कर्म है ना, इसलिए गौरस के परिणाम का कर्ता नहीं है लेकिन उसका आता है, ये सिद्ध करना है। आ गया समझ में? तो क्या यहां पर दृष्टा को लिया ज्ञानी, वो ज्ञानी दृष्टा उसकी अब बात चल रही है। क्या बात चली उसकी? देखो समझो, अच्छा देखो मैं पढ़ता हूं। दर्शन में व्याप्त होकर, थोड़ा ऐसे पद्धति पढ़ने की डालनी चाहिए, ग्रामर की तरीके से, ग्रामर होती ना इंग्लिश में जैसे ट्रांसलेशन करवाई जाए है? ऐसे करके देखो, इसमें देखो आप, देखो अच्छा बहुत समझ में आएगा और आपके अंदर की जो ज्ञान है ना उसमें एक स्पष्टता बनेगी। स्थिति क्या है? दृष्टा, देखो दृष्टा लिखो, लिखो मैं लिखाता हूं आपको, दृष्टा
दर्शन में व्याप्त होकर, दृष्टा दर्शन में व्याप्त होकर, ये शब्द इसी में से ही है, सारे शब्द इसी में ही हैं। दृष्टा मिला आपको, यहाँ आ रहा क्या? नहीं आ रहा, यहाँ देखो, दृष्टा दर्शन में व्याप्त होकर, बराबर है, बराबर, ये पहला वाक्य लिखा, दृष्टा दर्शन में व्याप्त होकर। अब दूसरी बात, स्वतः व्याप्त होकर, आप इसे जरा सा विहंगम अवलोकन करो, एकदम पूरा थान खोल करके देखो तो 40 मीटर ही नहीं, एक एक इंच आपकी समझ में आएगा। पहले क्या लिखाया वाक्य, दृष्टा कहां व्याप्त है? दर्शन में, ओके। अब स्वतः व्याप्त है, दृष्टा स्वतः दर्शन में देखने रूपी परिणाम, दर्शन माने देखने रूपी परिणाम में, कौन? दृष्टा, दृष्टा माने आत्मा, आत्मा माने द्रव्य, और काय में वह व्याप्त है अपने दर्शन रूपी परिणाम में। उसको दर्शन रूपी परिणाम में किसने व्याप्त किया? कि स्वतः व्याप्त है। फिर से मिला के नहीं मिला आपको? ये थोड़ा ग्रंथ की उपलब्धि रहने से ना ख्याल में आ जाता है। देखो, दृष्टा दर्शन में व्याप्त होकर, ओके, और स्वतः व्याप्त होकर, स्वतः व्याप्त होकर, स्वतः व्याप्त होकर मात्र देखता ही है, मात्र देखता ही। अभी मैंने गौरस वाला वो जो पार्ट है उसको नहीं यहाँ पर पढ़ा, अभी उस एक ही पार्ट को पढ़ रहा हूँ। क्या? दृष्टा दर्शन में, दर्शन क्या है? दृष्टा का परिणाम, देखना परिणाम, जानना परिणाम दृष्टा का, उसमें कौन व्याप्त है? दृष्टा माने आत्मा, बराबर है। तो उस दर्शन रूपी जानने रूपी परिणाम में वह जो आत्मा व्याप्त है वह स्वतः व्याप्त है। ये कहते हैं स्वतः व्याप्त होकर, ख्याल में आया? स्वतः स्वयं ही व्याप्त होता है, किसी ने व्याप्त किया ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या उत्पन्न होने वाले? के गौरस परिणाम, जो गौरस का परिणाम उत्पन्न हुआ ना, जैसे गौरस का एक परिणाम आया, मानो दही परिणाम आया, तो उस गौरस के दही परिणाम, ये गौरस से उत्पन्न हुआ, तो उस परिणाम को उसने क्या करा? जाना। किसने? दृष्टा पुरुष ने। गौरस से दही बना मानो, तो उस जो दही रूपी जो परिणाम आया, उस परिणाम को इस दृष्टा ने क्या किया? जाना। काय में व्याप्त होकर के जाना अपने ही दर्शन रूपी परिणाम में। किसने उसको उसमें व्याप्त किया? स्वतः व्याप्त हुआ है। दृष्टा कहां पर है? दृष्टा कहां पर है? अपने दर्शन परिणाम में। कहां पर है? अपने दर्शन परिणाम में, अपने देखने जानने के परिणाम में। ज्ञानी माने आत्मा, वो वहां पर व्याप्त है, वहां मौजूद है, और वहां बैठ करके वो है स्वपर प्रकाशक। आत्मा का स्वभाव होने से वह गौरस के परिणाम को जानता है, करता नहीं। सीधा सीधा सा आपने क्या क्लास में आप ले डालिया आपने, कर्ता कर्म यही मिला था आपको, और कोई मिला ही नहीं, सीधा सीधा सा बता देते हैं, कर्मन की 63 प्रकृति उसका डिटेल बता देते आप है? हाँ, ओ दृष्टा है ना, मध्यस्थ भाव से ज्ञाता दृष्टा है ना, कोई जोड़ने में कोई मना थोड़ी है,
इंक्लूड है उसमें, वो कोई बात नहीं। दृष्टा लिया ना, दृष्टा, दृष्टा दृष्टा क्या, जैसे वो निर्विकल्प होता है ना, दर्शन कैसा होता है निर्विकल्प, ज्ञान कैसा होता है सविकल्प, सविकल्प में वो मात्र भेद की बात है, लेकिन यहाँ पर ज्ञाता पने से समझा जा सकता है ऐसा। ज्ञाता दृष्टा, तटस्थ भाव से दृष्टा है, देखने वाला है, मात्र अवलोकन करने वाला है, इस देर एनी हलन चलन के, कोई हलन चलन नहीं हो रही है, वो तो बैठा हुआ है ऐसा। ज्ञानी कहाँ बैठा हुआ है, अपने ज्ञान परिणाम में, क्यों, क्योंकि उसका जो आत्मा है वो उसमें व्याप्त है। ख्याल में बात आ गई, और ज्ञान जाने बिना तो रह सकता नहीं, तो क्या जान रहा है, मैं ये रहा, और गौरस में, गौरस के परिणाम में गौरस रहा। पॉइंट समझ में आया, एक ही समय पर है, ऐसा नहीं कि वहाँ वह उसके ज्ञान परिणाम, ज्ञानी के ज्ञान परिणाम में ज्ञानी व्याप्त है, ऐसा वो जान रहा है, समझ में आया, और उसी समय पर वह यह जान रहा है कि गौरस के परिणाम में गौरस व्याप्त है। ख्याल में आ गया ना, अब गौरस के परिणाम में कौन व्याप्त है, गौरस, बराबर है, गौरस के परिणाम में कौन व्याप्त है, गौरस के परिणाम में गौरस व्याप्त होने से ये ज्ञानी आत्मा उसका कर्ता नहीं है। भाई समझ लो, अच्छा क्या करें, देखो दो बातें हैं इस गाथा में, एक तो है कर्ता नहीं है, और दूसरा कहा कि ज्ञानी है माने ज्ञाता है, दो वाली बात कही है पंडित जी साहब, पहले ये कहा है कि कर्ता नहीं है, और दूसरा कहा है कि वह ज्ञाता है, ज्ञानी है, बराबर है किसके, कि गौरस के परिणाम को कर्ता नहीं है, एक बात तो ये पहले कह दी, अब कह रहे हैं कि गौरस के परिणाम का ज्ञाता है, जानने वाला है, करने वाला नहीं, तो करने वाला नहीं है ये बात कैसे सिद्ध करी, कि गौरस के परिणाम में गौरस व्याप्त है। ख्याल में आया, और ज्ञातापना कैसे सिद्ध किया, कि आत्मा अपने ज्ञान परिणाम में व्याप्त है, ऐसा आत्मा का वर्तमान का ज्ञान ये जानता है कि मैं अपने परिणाम में व्याप्त हूं। पॉइंट समझ में आया, हाँ, गौरस के परिणाम में मैं व्याप्त नहीं हूं, तो उसका उस एक समय पर जो ज्ञान की पर्याय है जानन स्वभाव वाली, वह एक ही समय पर ये जानती है कि इस गौरस के परिणाम में मैं व्याप्त नहीं, मैं तो मात्र इसका जानने वाला, यदि मैं व्याप्त हूं तो क्या हो जाऊंगा, यदि मैं गौरस के परिणाम में व्याप्त हो जाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा, कर्ता हो जाऊंगा, क्योंकि वह ये जान रहा है कि मैं अपने ज्ञाता दृष्टा रूपी ज्ञान परिणाम में व्याप्त हूं, ये वो जान रहा है, इसीलिए तो वह गौरस के परिणाम का कर्ता नहीं बन रहा, बराबर है, और उसी समय पर वह ये जान रहा है कि गौरस के परिणाम में गौरस व्याप्त है, इसलिए वह गौरस का ज्ञाता है, गौरस का कर्ता नहीं। क्या करे साहब, डॉक्टर कह रहा है कि भाई साहब चीरा लगाए बिना नहीं चलेगा काम, कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ कि जो चीरा ना लगे और काम हो जाए, कि हाँ काम तो तमाम हो जाएगा तुम्हारा। आया समझ में क्या बोला डॉक्टर ने, कि चीरा लगाना बहुत ज़रूरी है आपके इस पार्ट पर, क्या कहते हैं आपके मवाद कहते हैं हमारे आप क्या क्या कहते हैं ऐसा कहते हैं, पड़ गया है चीरा लगाना पड़ेगा, तो बोला डॉक्टर साहब कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ
कि चीरा न लगे और काम हो जाए। डॉक्टर ने कही कि हाँ ऐसा संभव है कि चीरा न लगे तो काम तमाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह नहीं निकलेगा तो पूरे पैर में तेरे सेप्टिक फैल जाएगा और काम तमाम हो जाएगा। पॉइंट आया समझ में? ऐसे ही प्रभु ये यदि कर्ता कर्म अधिकार, सभी अधिकार की बात है और सभी गाथाओं की बात है, यहाँ कर्ता कर्म की चलती है तो इसलिए उसकी बात चलाते हैं। यदि उसका आपने डिटेल से ऑपरेशन न किया, समझा नहीं आचार भगवंतों के आशय को, तो क्या हो जाएगा कि समझे बिना काम हो जाएगा? तो कहा कि काम तमाम हो जाएगा, चला जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ ठिकाना तेरा बनेगा, हमें नहीं पता तेरा। ख्याल में आ गया? कोई समराइज्ड करके समझा सकते हैं आप में से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 केवल 7, 7 विद्यार्थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए। चलिएगा अब इसमें, ओहो उधर 10 हो गए, 10 हो गए। अब आपस में डिसाइड करो मैं किसको बुलाऊं, किसको क्या कर सकता हूँ बता। हैं आप बोल चुके हो, ए भी बोल चुका, ए भी बोल चुका है, ए ए भी बोल चुका है। ओके चलो आप आ जाओ, आ जाओ। हाँ यस यस, स्काई ब्लू आ जाओ। बस यहीं पे विराम लेते हैं, जो जाना चाहे वो जावे, जो इस हमारे शास्त्री विद्वान को सुनना चाहता है वो सुने। हाँ 101वीं गाथा के माध्यम से आज चर्चा जो चली उसमें दो बातें बताई। एक ही बात को दो तरीके से बताया गया, पहला अस्ति और दूसरा नास्ति, कहाँ करता है वो कहाँ करता नहीं है। सबसे पहले बताया कि कहाँ करता नहीं है, तो कैसा उदाहरण दिया वहाँ पे कि जिस प्रकार जो गोरस है वो कहाँ कहाँ व्याप्त है कि दूध में व्याप्त है, दही में व्याप्त है, मतलब जितने भी उसके द्वारा बनने वाले